इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ब्यूरो चीफ बीके तिवारी। आज हमारे साथ ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस पार्टी से मजबूत दावेदारी कर रहे प्रत्याशी रामलखन सिंह। सर, क्या आप कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं? जी हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी किया हूँ जी, जिसमें मुझे संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र से पार्टी और संगठन तथा वरिष्ठ नेताओं का समर्थन प्राप्त है तथा क्षेत्र के लोगों का स्नेह आशीर्वाद भी प्राप्त है। तो सर, आपने विधानसभा क्षेत्र का तो दौरा किया होगा जी, वहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र की जनता का क्या मत है? जनता का मत ये है कि मैं जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल का महासचिव होने के कारण जी व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ने की इच्छा रखने का संपूर्ण क्षेत्र का विगत 5 वर्षों से लगातार भ्रमण कर रहा हूँ। क्षेत्र के किसानों की बिजली न मिलने के कारण उनकी स्थिति दयनीय है। शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। किसान समस्या से ग्रसित हैं जी। तो जैसे आप निर्वाचित हो जाते हैं, जो 2023 का अहम चुनाव है उसमें आप विधायक निर्वाचित हो जाते हैं जी, तो आपका फिर मैनिफेस्टो क्या रहेगा विधानसभा क्षेत्र के लिए? बिहारी विधानसभा क्षेत्र में यदि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है और क्षेत्र की सम्मानित मतदाता मुझे विधानसभा तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करते हैं तो सर्वप्रथम पार्टी तथा क्षेत्र की सम्मान मतदाताओं का आजीवन आभारी रहूँगा। व्यक्ति जीवन यापन के लिए शिक्षा, कृषि जी और रोजगार की आवश्यकता होते हैं, इसीलिए प्रयास करूंगा कि उपरोक्त सुविधा से लगातार लोगों को प्रयास हो तथा शासन द्वारा संचालित जी सभी योजनाओं का लाभ सरलता से जी जी सभी को प्राप्त हो सके, कोई वंचित न रह जाए जी। ये आपका जो है प्रथम बिंदु है, अगर आप निर्वाचित हो जाते हैं तो जी। और कोई इसके अतिरिक्त आपके अभी जो मतलब जहन में अगर ऐसा कुछ है कि जो उन्होंने नहीं किया जो वर्तमान, क्योंकि 5 वर्षों से अभी लगातार जो है तो वहाँ पर भाजपा के विधायक हैं और हाँ तो और लगभग हर क्षेत्र में पूरे विधानसभा में लगभग 350 पोलिंग बूथ है, लगभग हर ही पोलिंग बूथ में घूम चुका हूँ मैं जी और देखा हूँ कि मतलब आज की जो स्थिति है बिजली पानी सड़क की अच्छा बहुत सारी समस्याएं हैं पूरे बिहारी विधानसभा क्षेत्र में जी। अच्छा, अगर आप निर्वाचित होते हैं उन समस्याओं को सबसे पहले हैं आप उनका निराकरण करेंगे जी। और मैं आप मीडिया के साथियों को भी सहयोग प्रदान करने का अपील करता हूँ तथा सदैव आभारी रहूँगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।